ओके, मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया। फर्स्ट एक फॉर्मेट, फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो ग्राफ ऑपरेशंस हैं। इंडिसेस को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले हमें कोशिश करनी है समझने की कि ग्राफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बता दी, जिस तरह नंबर्स में हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन हमारे पास एक नंबर है, मल्टीप्लीकेशन हमारे पास नंबर है, ठीक है। समटाइम आप देखते हैं हमारे पास एक नंबर मॉड भी होता है, मॉडुलस जिसे हम कहते हैं। एडिशन में क्या होता है, हमारे पास दो नंबर होते हैं, उनको हम ऐड करते हैं। डेफिनेटली एडिशन के पीछे एक रूल होता है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमें पता है। सपोज अगर मैं आपको ये कह दूँ कि अच्छा चलें, ये हमारे पास ऑपरेशन है, ये हमने काम किया, तो मुझे बताएं आंसर क्या है, ठीक है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इस रूल का क्या मतलब है, ठीक है, ये क्या रूल है, हम आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक हो गया। इस तरह एडिशन बेसिकली एक रूल है, मल्टीप्लीकेशन भी एक रूल है, ठीक है। और वो रूल हमें याद है कि वो 3 है, मल्टीप्लाई बाय 7 है, तो हमें पता है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के पीछे क्या है, मल्टीप्लाई के पीछे ये है कि 7 times 3 कर लें या 3 times जो है वो 7 कर लें, ये चीज़ है। तो आंसर 21 आता है। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि दो नंबर्स होते हैं, उनको ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हमारे पास एक नया नंबर आ जाता है। तो इसी तरह ग्राफ ऑपरेशन में भी ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं, जो आप दो ग्राफ्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से आपके पास एक नया ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एक नया ग्राफ आ जाएगा। तो आज हमें ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं और एग्जिस्ट करते हैं, वैसे तो बेशुमार एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो मेन थीम होगा, मेन काम है, हमने ये सीखना है कि डेफिनेशन कैसे हमने समझनी है। और डेफिनेशन अगर जब हमें समझ आ जाएगी, तो फिर हमने उनकी उन वर्सेस की पार्टीशंस करनी है कि जो हमारे पहले ग्राफ थे उनके उसमें हमारे पास जो वर्टिस की डिग्री ये थी, जो नए ग्राफ बने हैं उनके अंदर वर्टिस की डिग्री क्या होगी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप में होगा। थर्ड स्टेप में हम फिर काउंट फाइंड करेंगे टोपोलॉजिकल इंडिसेस ग्राफ ऑपरेशंस के, ठीक है। तो अगर मैं ऑपरेशन देखूँ उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं, अनम्यूट हुआ है, अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो आप काइंडली माइक को म्यूट करें। चलें, अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट में वो ये कह रहा है कि हमने इसमें फर्स्ट रिफॉर्मेटरी जैग्रीब इंडेक्स को डिस्कस किया है, उसका कार्टीजन प्रोडक्ट, कंपोजिशन, ज्वाइन, कोरोना प्रोडक्ट, सप्लाइज, लिंक चेन एंड सो ऑन, उनके मैंने हमने ये इंडस्ट्री जो है वो सॉरी वो ये ग्राफ ऑपरेशन जो है वो डिस्कस किए हैं। इंट्रोडक्शन में आपको आइडिया है कि वही हमने प्रीलिमिनरी देनी होती हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी होती है। डेफिनेशन जो प्रीलिमिनरीज हैं, यहाँ पे न्यूट्रेशन के बारे में हम बताते हैं कि कौन कौन सी न्यूट्रेशन जो है हमने डिस्कस की करनी है, ये की है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कार्टीजन प्रोडक्ट, डेफिनेशन पढ़ें और बताएं कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आज मेरा थोड़ा लैपटॉप भी स्लो चल रहा है, आई डोंट नो क्या रीजन है उसकी। द कार्टीजन प्रोडक्ट डेफिनेशन हमने जस्ट रीड करनी, डेफिनेशन रीड करने का मतलब ये है कि आपके पास ये चीज़ें, इसको डिस्कस करते हैं आपको कितना समझ आया है, और आगे आप आपके जो भी क्वेश्चन कमेंट होंगे सर, एक दो मिनट देखें सर इसकी डेफिनेशन को समझने की ट्राई करें।
जी, कोई स्टूडेंट इसको थोड़ी बहुत समझ आई हो या वो डिस्कस करना चाह रहा हो कि चीज़ में क्या है? अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कुछ ग्राफ ऑपरेशन के बारे में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ याद ही होगा। सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। द कार्टियन प्रोडक्ट G1 G2 ऑफ ग्राफ G1 G2। सबसे पहले उसने कहा था कि हमारे पास दो ग्राफ होने चाहिए, ठीक है? G1 और G2 हमारे पास दो ग्राफ हैं, इनकी मदद से हमने कार्टीयन प्रोडक्ट लेना है। कार्टीयन प्रोडक्ट का जो वर्टेक्स सेट होगा वो हमारे पास होगा वर्टेक्स सेट ऑफ G1 मल्टीप्लाई बाय वर्टेक्स सेट ऑफ G2, ठीक है? मतलब दोनों ग्राफ के जो वर्टेक्स सेट्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्टिसेस बन जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो इस तरह के होंगे। तो इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा जो एक वर्टेक्स होगा वो इस तरह रिप्रेजेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अब दो वर्टिसेस हैं हमारे पास, उसने बता दिया कि U1 और U2 एक वर्टेक्स है कार्टीयन प्रोडक्ट के अंदर, V1 और V2 एक वर्टेक्स है कार्टीयन प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है? अब इन दोनों के दरमियान एच कब मौजूद होगा, ठीक है? इन दोनों के दरमियान एच कब मौजूद होगा? इनके दरमियान एच तब मौजूद होगा अगर हमारा जो पहला कंपोनेंट, ठीक है, वो सेम हो जाएगा। और एंड लिखा हुआ साथ, इसका मतलब है कि पहला कंपोनेंट सेम होना चाहिए और उसके साथ ही दूसरे कंपोनेंट के दरमियान एच मौजूद होना चाहिए, ठीक है? पहला कंपोनेंट जो है वो सेम हो गया, दूसरे कंपोनेंट के दरमियान एच आ गया, ये चीज हो गई। या पहली कंडीशन हमारे पास ये थी, दूसरी कंडीशन में ये कह दिया अगर ये होल्डिंग करती है दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि पहले कंपोनेंट के दरमियान हमारे पास एच मौजूद हो जाएगा। एच मौजूद हो U1 और V1 के दरमियान और U2 और V2 जो है वो सेम हो जाए, ठीक है? तो ये दो कंडीशन है जिनको हमने देखना है, जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? वर्टेक्स सेट बनाना आसान है लेकिन मेन काम ये होता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि तो वर्टिसेस के दरमियान एजेस कैसे बनेंगे, ठीक है? तो एजेस के लिए आपने ये दो कंडीशन है इनको फॉलो करना होगा, बस इनको फुलफिल करना, ठीक है? एग्जाम्पल देखने के ट्राई कर लेते हैं। सिंपल को छोटी में लूंगा, सपोज कर लेते हैं हमारे पास G1 है, एक ग्राफ ये वाला है, इसके दो वर्टिसेस हैं, सपोज कर लेते हैं V1 V2। उसके बाद हम एक ग्राफ ले लेते हैं, U1 U2 और U3, ये हम ग्राफ ले लेते हैं। अब जब हम इन दोनों इसका वर्टेक्स सेट जो G1 का उसके अंदर V1 V2 है, G2 के जो वर्टेक्स सेट हैं उनके दरमियान U1 U2 और U3 है, ये हमारे पास G2। इन दोनों ग्राफ्स का हमने लेना है कार्टीजन प्रोडक्ट। तो आप देखिए जब हम इन दोनों ग्राफ का वर्टेक्स सेट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। वर्टेक्स सेट जो बनेगा V1 U1 V1 U2 V1 U3 V2 U1 V2 U2 V2 U3, ठीक हो गया? अब इन ये हमारे पास छह वर्सेस बने हैं, ठीक है? क्योंकि
तीन वर्ड्स इसके अंदर हैं, दो वर्ड्स जो है जीवन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स वर्ड्स बन जाएंगे। अब मेन काम ये है कि हमें चेक करना है कि कौन से दो वर्ड्स के दरमियान एज मौजूद है और कौन से दो वर्ड्स के दरमियान एज मौजूद नहीं है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम कोई भी आर्बिट्री दो वर्ड पकड़ते हैं वी वन और यू वन, इसी तरह हमने पकड़ लिया वी वन और सपोज यू टू पकड़। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब हम देखने जा रहे हैं ये दो वर्ड्स हैं क्या इन दो वर्ड्स के दरमियान कोई एज मौजूद है या नहीं है। तो हमने दो कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, ठीक है, बस देखना है उनको फुलफिल करने की ट्राई करनी है। पहली कंडीशन ये है कि पहले कंपोनेंट सेम हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पहले कंपोनेंट जो है वो तो सेम हो गए, वी वन इज इक्वल वी वन हो गया। क्या दूसरे कंपोनेंट के दरमियान एज मौजूद है ग्राफ में या नहीं, अब हम चेक करना है कि जो वी वन सॉरी यू टू और वी टू, ठीक है, यू टू और वी टू के दरमियान जो है वो एज मौजूद है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यू वन और यू टू के दरमियान एज मौजूद है। ठीक है, तो कंडीशन वन जो है वो फुलफिल हो रही है। जब कंडीशन वन जो है वो फुलफिल हो रही है तो इन दो वर्ड्स के दरमियान एज बन जाए। ठीक हो गया, थोड़ा सा मैं और आगे जाऊंगा, इसको मैं एक और वर्टेक्स डाल लेता हूँ यहाँ। वी टू यू वन एक वर्टेक्स और मैंने ऐड कर लिया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ क्या इन दोनों के दरमियान एच मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन तो ये कहती है कि ओके सेकंड कंपोनेंट सेम है, सेकंड कंपोनेंट सेम वाली कंडीशन जो है हमारी सेकंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि ओके सेकंड कंपोनेंट आप सेम कर लेते हैं लेकिन पहले कंपोनेंट के दरमियान एच मौजूद होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे U1 सेम हो गया। अब हमें चेक करना है कि V1 और V2 के दरमियान एच मौजूद है कि नहीं। G1 में जाना है, याद रखना हमारे पास पहला कंपोनेंट जो आएगा वो ग्राफ G1 से आएगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो ग्राफ G2 से आएगा। तो V1 और V2 के दरमियान एच हमने चेक करना है G1 में है या नहीं है। यस, ये एच मौजूद है। ठीक हो गया, तो इसका क्या मतलब है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये एच जो है वो बन जाएगा। अब देखते हैं कि क्या V1 U2 और V2 U1 के दरमियान एच मौजूद है या नहीं। तो आप देख सकते हैं पहले दोनों कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, इसमें V1 है यहाँ पे और यहाँ पे V2 है। इसका मतलब पहले कंपोनेंट तो डिफरेंट है, दूसरे को ट्राई करते हैं। आप देखें यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट U2 है, पहला यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट जो है वो U1 है। ठीक हो गया, इसका मतलब यह है कि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो इसका मतलब यह है कि इनके दरमियान एच नहीं बनेगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक, कुछ चीज समझ ना आई हो या कुछ भी समझ ना आया तो भी पूछ सकते, कोई इशू नहीं। चलें जी, अच्छी बात है अगर ये आपको चीज क्लियर है। तो बेसिकली आपने डेफिनेशन समझने की ट्राई करनी है। जी बोले सिर्फ एट एंड प्रोडक्ट में ग्राफ G1 जो है उसके जितने भी वर्टिसेस होते हैं उसका G2 के साथ H नहीं प्रेजेंट होता। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, बस ये कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए। 1 2 इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो H बन जाएगा। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो H नहीं बनेगा। क्वेश्चन किसी का? सर तीन ग्राफ भी हो सकते हैं। तीन ग्राफ नहीं हो सकते, तीन ग्राफ आप बिल्कुल ले सकते हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिस तरह की होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हम लेते हैं तीन नंबर लेते हैं ऐसा ही है, लेकिन तीन नंबर लेते हैं लेकिन पहले हम उनमें से किसी दो को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 3 4 5 6 7 ग्राफ बिल्कुल ले सकते हैं लेकिन एट अ टाइम आपको दो ग्राफ को ही अपडेट करना होगा। ठीक हो गया, जी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब है कि लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गया। मैंने पहले के लेक्चर में तो बस जो मर्जी उठा के चले किसी ने कुछ नहीं कहना। एनीवे मजीद क्वेश्चन कोई और, 32 स्टूडेंट अवेलेबल हैं इस वक्त। ठीक है, ओके कार्ड, इसका मतलब कार्ड के प्रोडक्ट जो है आप लोगों को क्लियर है। जी जी
बोले सर, फर्स्ट सेमेस्टर में ये किया था, तो ये सर फर्स्ट ग्राफ के जितने भी वर्सेस होते थे उसको सेकंड ग्राफ के जितने भी वर्सेस हैं उनके दरमियान एज मिला, एज एज के साथ मिला देते थे। अच्छा, नहीं, वो आप किसी और को, किसी और के साथ मिक्स कर रहे हैं, वो भी ऑपरेशन एक आएगा, ठीक है? इस तरह का पड़ा था जैसे ये भाई बता रहे हैं ना, ऐसे हमने स्पेक्ट्री ग्राफ में पढ़ा था। जी, मैं मुझे आईडिया हो गया वो कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। वो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ज्वाइन ग्राफ की, ठीक है? ज्वाइन ग्राफ में एग्जैक्टली वही होता है जो आप बता रहे हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको क्लियर है तो थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। इसी तरह हमारे पास है कॉम्पोजिशन, ठीक है? कॉम्पोजिशन में वो कह रहा है कि हमारे पास दो ग्राफ होंगे, जीवन जी टू, G1 and G2 with digital and vertex set. Okay, digital and vertex set जो condition हर एक में hold आएगी. Digital and vertex set, and H set is again a graph on vertex set. मतलब H set यही होगा जो हमने पहले वाला होगा, लेकिन edges किस तरह होंगे, दो vertices किस तरह join करेंगे, किस तरह join करेंगे वो हमने देखना है। Like हमारे पास दो vertices हैं U1, U2, V1, V2. इनके दरमियान कब एज होगा, ये दोनों कब इंसिडेंट होंगे, व्हेन एवर U1 V1 बिलोंग टू G1, ठीक है? यानी कि या तो पहला कंपोनेंट, अब इक्वालिटी वाली कंडीशन खत्म है पहली कंडीशन में से। कार्टेशियन में पहली कंडीशन थी कि इक्वालिटी है, इक्वालिटी वाली कंडीशन ही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर तो U1 और V1 के दरमियान एज मौजूद है तो इन दोनों के दरमियान एज आ जाए, बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर एज मौजूद है, ठीक हो गया। अगर एज मौजूद नहीं है, ये थी इसकी पहली कंडीशन, ये इसकी दूसरी कंडीशन है। वो ये कह रहा है कि ठीक है, अगर एज मौजूद नहीं है तो फिर हम चाहते हैं कि पहला कंपोनेंट इक्वल हो जाए और दूसरे कंपोनेंट के बीच एज आ जाए। दूसरी कंडीशन एज इट इज रही, पहली कंडीशन में उसने इक्वालिटी वाली कंडीशन जो थी वो निकाल दी, मतलब कंडीशन को थोड़ा रिलैक्स कर दिया, ठीक हो गया? बात क्लियर है जी? इनकी छोटी सी एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ आ जाएगी, ठीक हो गया? ये हमारे पास थी कंपोजिशन। कंपोजिशन के बाद आगे जाते हैं हमारे पास सम, ठीक है? G1 एंड G2 बी टू ग्राफ ऑन डिजॉइंट वर्टेक्स सेट, दो ग्राफ है हमारे वर्टेक्स सेट पे, देयर सम इज द ग्राफ नोटेशन मार्क, ये चीज होगी ऑन द वर्टेक्स सेट। वर्टेक्स सेट मार्क यूनियन आ जाएगा, पहले प्रोडक्ट था लेकिन अब यूनियन आ जाएगा। यूनियन का मतलब ये है कि दोनों ग्राफ के जो वर्सेस हैं उनको हमने कंबाइन करके लिख देना है। एंड द एज सेट, एजेस कैसे बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है। एजेस हमारे इस तरह बनेंगे कि G1 के हमने तमाम एजेस ले लेने एज इट इज जैसे वो मौजूद थे G1, G2 के हमने तमाम एजेस ले लेने एज इट इज जैसे वो मौजूद थे G2 में। यूनियन, मजीद एजेस कौन से आएंगे, G1 के हर वर्टेक्स को हमने G2 के हर वर्टेक्स से मिला दें, ठीक है? G1 के हर वर्टेक्स को हमने G2 से मिल के वर्टेक्स से मिलाते हैं तो भी हमारे पास एजेस आ जाएंगे। ये वो बात है आई थिंक जो आप में से किसी स्टूडेंट ने की, ठीक है? तो इस ऑपरेशन को कहते हैं सम भी कहते हैं, और कहीं किसी बुक्स में इस चीज को ज्वाइन भी लिखा हो, ठीक हो गया? ये बात क्लियर है जी सर? अगर इसकी कुछ एग्जांपल जनरली देखें, ये हमारे पास G1 है, ये हमारे पास G2 है, तो ये पूरे के पूरे ग्राफ एज इट इज आ जाएंगे वर्टिसेस के साथ भी और एजेस के साथ भी। मजीद क्या ऐड होगा, मजीद ये ऐड ही होगा, सपोज इधर वर्टिसेस हैं, इधर भी वर्टिसेस हैं, तो क्या होगा कि इधर का हर वर्टेक्स G1 का हर वर्टेक्स G2 से मिल जाएगा और G2 का हर वर्टेक्स जो है G1 से मिल जाएगा, तो मजीद एज जो है वो ऐड हो जाएगा। जी यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोडक्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे वही काम हो रहा है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे हम दो नंबर लेते थे उनको ऐड कर लेते थे या मल्टीप्लाई कर लेते थे तो एक नया नंबर आ जाता। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं हम दो ग्राफ ले रहे हैं और दो ग्राफ के ऊपर हम कार्टेशियन लगा रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो हमारे पास एक नया ग्राफ आ रहा है। है
नेक्स्ट हमारे पास है कोरोना प्रोडक्ट, ठीक है। कोरोना प्रोडक्ट में हमारे पास दो ग्राफ है, G1 न्यूटेशन है, ये हमारे पास जी नोट G1 सर्कल G2, G1 सर्कल G2 हमारे पास ग्राफ है। बनेंगे कैसे, ठीक है, G1 G2 दो ग्राफ है, इनका हमने कोरोना प्रोडक्ट लेना है। बनेंगे कैसे, ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग VG1 कॉपीज ऑफ G2, मतलब कि हमने क्या लेना है कि वर्ड जो ग्राफ G1 है उसका जितना ऑर्डर है, उसके जितने वर्ड्स हैं उतनी कॉपीज हमने G2 की ले लेनी है, ठीक है। G1 का जितना ऑर्डर है उतनी कॉपीज हमने G2 की ले लेनी है, एंड ज्वाइनिंग ईच वर्टेक्स ऑफ ith कॉपी विद वर्टेक्स i, और हर कॉपी को G1 G2 जितनी भी कॉपीज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसेस से जो हमने जो है वो अटैच कर देना। ये हमारे पास कोरोना पोर्टल बन जाएगा। सपोज कर लेता हूँ, मैंने ग्राफ लिया ये वाला G1, यहाँ इस वक्त ग्राफ G1 ये है, इस वक्त इसके अंदर दो वर्सेस हैं, ठीक है। तो G2 जो भी ग्राफ होगा उसके हमें दो कॉपीज लेनी है। सपोज ये हमारा G2 ग्राफ था, इसकी मैंने दो कॉपीज ले ली है, क्योंकि दो वर्सेस थे इसलिए हमने दो कॉपीज ले ली। अब क्या करना, कॉपीज तो हमने ले ली, हर कॉपी को, इस वक्त ये कॉपी है, ये V1 है और ये इसकी कॉपी है, तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये वाला पूरे का पूरा, इसके हर वर्टेक्स को हमने V1 से ज्वाइन कर देना, हर वर्टेक्स को हमने V1 से ज्वाइन कर देना। इसी तरह V2 में हर वर्टेक्स को हमने ज्वाइन कर देना। ये हमारे पास आ गया कोरोना ऑफ G1 G2। अगर हमारे पास G1 के अंदर तीन वर्सेस होते तो हम तीन कॉपीज लेते हैं और दी थर्ड वर्टेक्स को तमाम वर्ड्स से अटैच कर देते हैं G2, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कोरोना प्रोटोकॉल, बात क्लियर है ये वाली। जी कोई क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट का? जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है काइंडली वो जरा क्वेश्चन कंप्लीट करें, जरा तो रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन अपना, सॉरी मैं सीधा सुन नहीं सकता, बोले आप। सर मैंने कहा कि ये जो G1 में वर्टिसेस जितने भी होंगे इसमें से हर वर्टिक्स एक कॉपी से मिलाना है कि या हर वर्टिक्स सब कॉपी से मिला देना? जी बिल्कुल, इसमें हर वर्टेक्स को एक ही कॉपी से मिलाना है, क्योंकि दो वर्टिसेस है, दो कॉपीज, तीन वर्टिसेस, तीन कॉपीज, तो यानी कि हर वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको हर उससे मिला दिया। ये क्वेश्चन तो मतलब कोरोना का तो आपने प्रेजेंटेशन में भी दिया ना, जो आर्टिकल आपने सेंड किया। जी जी, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं बेसिकली। क्योंकि वो चीजें मैंने कहा शायद आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ी ही हो, मतलब स्पेक्ट्रोग्राफी। सर स्पेक्ट्रोग्राफी में ना बाकी ऑपरेशंस पढ़े थे, यूनियन जॉइंट और बाकी पढ़े थे, ये कोरोना नहीं था पढ़ा, कोरोना प्रोडक्ट। चलिए ठीक है, तो कोई नहीं, ये भी पढ़ लेंगे, सीख ही लेंगे कुछ नया। अच्छा, तो डेफिनेशन क्लियर है, उम्मीद है आपको? जी सर क्लियर है। चलें वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाईज की डेफिनेशन, अगर आपको नजर आ रही हो, ठीक है। सप्लाईज की डेफिनेशन खुद पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिएगा जरा, देखते हैं फिर।
चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, सप्लाइज क्या चीज़ है। अच्छा आप ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से होना चाहिए, एम फिल एम फिल के स्टूडेंट हैं तो चीज़ों को खुद पढ़ने की आदत डालें एक तो, और फिर उसके कुछ समझने की भी आदत कर लेंगे कि बेसिकली लिखा क्या होता है, जो कि हमारे डेफिनेट माइंड के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि हम पढ़ते हैं और उसको भी समझने की ट्राई करते हैं। वो G1 G2 आर ग्राफ विद डिजॉइंट वर्टेक्स सेट फॉलोइंग दिस फॉर गिवन वर्टिसेस यू एंड वी आर सप्लाइज। अच्छा सप्लाइज एक आसान सा हमारा ऑपरेशन है, हमारे पास दो ग्राफ हैं G1 G2, G का हमने एक वर्टेक्स U ले लिया और G2 का हमने एक वर्टेक्स V ले लिया, ठीक है। तो उसकी हमें मिस्टेक है, ये V ले लिया, ठीक है। सप्लाइज क्या होगा, ऑफ सप्लाइज के नोटेशन हमारे पास ये चीज़ होगी, ऑफ G1 एंड G2 वर्टिसेस U एंड V इज स्पेसिफाइड बाय आइडेंटिफाइंग द वर्टिसेस U एंड V इन द यूनियन ऑफ G1 एंड V2। सिंपल, हमारे पास एक ग्राफ G1 है, हमारे पास एक ग्राफ G2 है, इसमें से हमने एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया U, इसमें से हमने एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया V, इनका हमने सप्लाइज बनाना है, तो हमने इन दोनों वर्टिसेस को एक वर्टेक्स बना दें, ठीक है। ये हमारे पास G1 आ गया, ये हमारे पास G2 आ गया, यहाँ से मैंने दोनों को मिला दिया, कंबाइन कर दिया, एक वर्टेक्स बना दिया, इसे कहते हैं सप्लाइज, ठीक है। आगे सेम डेफिनेशन लिंक की, लिंक ऑपरेशन क्या है, लिंक में आपके पास दो वर्ड्स है, आपने सीधा आइडेंटिफाई कर लिए, आइडेंटिफाई करने के बाद उनके दरमियान आपने एक एच बना देना, ये हमारे पास लिंक आ गया, ठीक है। ये हमारे पास लिंक और ये हमारे पास सप्लाइज, ठीक है। सर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल तो कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने दो लिए हैं, और एक के अंदर हम वर्टिसेस को कंबाइन कर रहे हैं, या तो हम एज रिमूव कर रहे होते तो वो बात, तो फिर हम तो कह सकते थे, ठीक है जी। यहाँ तक क्वेश्चन, यहाँ तक हमने जो अभी ऑपरेशन डिफाइन किए हैं, कुछ क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट है किसी का, ठीक है। अच्छा आगे हमारे पास एक और ऑपरेशन है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, चेन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ ग्राफ। अब हमारे पास वो ये कह रहा है कि काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है, बाय एडिंग द एजेस, ठीक है, हर एक इसमें से हमने V1 V2 V3 V4 V5 एंड सोन ले लिया, तो इसके V1 को हमने V2 से मिला दिया, इसके V2 को V3 से, V4 से, V5 से, V6 से, V7 से एंड सोन, इसको हम कहते हैं चेन ग्राफ, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि जब वर्टिसेस 6, 7, 8, 10 की बजाय सिर्फ 2 हों तो लिंक और चेन ग्राफ जो होता है वो सेम होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं चेन जो है वो जनरलाइज फॉर्म है लिंक ग्राफ। यहाँ तक इस पेपर में ये काम हुआ था कि इन्होंने ऑपरेशंस डिफाइन किए हुए थे जो हमने पढ़े हैं, कार्टिजियन, कंपोजिशन, ज्वाइन, करोना और इस तरह सप्लाइज और लिंक। इसके बाद क्या करना वो बाद में मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ग्राफ ऑपरेशन होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन आपको क्लियर है, समझ है कि है क्या चीज़, बाकी स्टूडेंट जो बैठे हैं जरा वो भी थोड़ा सा हिलजुल हैं और मुझे बता दें कि यस कि चीज़ें क्लियर हैं या कोई इशू है। जी सर क्लियर है। चलें वेरी गुड, अगर क्लियर हैं तो मुझे आपने देने हैं 5 से 7 मिनट, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, इसके दौरान एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर करके जा रहा हूँ, उसको देखें, आगे उसको डिस्कस करते हैं, इसी टॉपिक पे है, ठीक है, इसी टॉपिक पे हैं, उसके डिस्कस करते हैं, 5 से 7 मिनट आपने मुझे देने हैं, आके मजीद कुछ क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, नहीं तो फिर हम जाएंगे सेकंड पार्ट की तरफ, ऑपरेशन के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट है हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। एक लिंक जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसे देखिएगा, उसे समझिएगा, ऑपरेशन से रिलेटेड ही है। ठीक हो गया, लिंक मैंने शेयर कर दिया, जरा इस शॉर्ट वीडियो को देखिएगा, तकरीबन ये भी 5-1 मिनट की है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह वापस आता हूँ तो हम कंटिन्यू करें।
अस्सलाम वालेकुम। चले जी वापस आते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो छोटा सा क्लिप जो था, छोटा जो क्लिप था वो देख लिया होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, एनी अगर किसी ने नहीं किया तो बाद में देख सकते हैं। जी एक दो मिनट और चाहिए या कंटिन्यू करें? एक दो मिनट चाहिए। अच्छा चलें, ओके okay, मैं ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। इन द मीन टाइम अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड या आपने जो छोटा सा क्लिप देखा है उससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। सर इसके अंदर एक डबल ग्राफ का था सर, उसको जरा बताइएगा कंप्लीमेंट के साथ सर, वो यूनरी ऑपरेशन। अच्छा ठीक है, आपके दो क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह उसको देखता हूँ। के यूनरी ऑपरेशन क्या होता है वो तो खैर आपने तो सारी समझ आ गई हो, पर यूनरी ऑपरेशन क्या होता है वो क्लियर है? सर वो एक ही ग्राफ के ऊपर कोई वर्किंग कर रहा है ना जो भी कर रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जैसे आपने अगर मैं यूनरी ऑपरेशन एग्जांपल देना चाहूं, कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक ही सेट होता है उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेशन भी, अभी आपने जो डिस्कशन की है ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने देखा था कि हर ऑपरेशन में हम दो दो ग्राफ ले रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑपरेशन हैं जहाँ पे आपको एक ही ग्राफ की जरूरत होती है, उसी के ऊपर आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नया ग्राफ आ जाएगा। डबल ग्राफ की बात की थी वैसे तो मैं सोच रहा था कुछ ग्राफ ऑपरेशन जो है इनके अलावा भी हैं, मजीद भी हैं, ठीक है। वो मैं चाह रहा था मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूँ, लेकिन मैं आपको डबल ग्राफ के बारे में बता देता हूँ कि डबल ग्राफ क्या है। अच्छा वही आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर मुझे आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा सर तो पहले बताओ तबीयत कैसी है, क्या हो गया था? सर वो बीपी शूट कर गया था, काफ़ी लो हो गया था, तो स्कूल में पढ़ा रहा था, फिर वहाँ पे टीचर्स जो है ना वो हॉस्पिटल लेके गए थे। तो क्या ख्याल है फिर आपकी प्रेजेंटेशन डिले कर लें नेक्स्ट वीक तक? नहीं सर मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं नहीं पूरी ट्राई करूँगा प्रेजेंट करने की। चलो ठीक है, आपके थीसिस में डबल ग्राफ का जिक्र है ना, तो प्रेजेंटेशन में डबल ग्राफ का जिक्र होगा या नहीं? यस सर है। तो बता सकोगे कि डबल ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बना के या किसी तरह? यस सर मैं इधर अपनी प्रेजेंटेशन फाइल से वो बता सकता हूँ। ठीक है चलें, आपका फराज आपका जो क्वेश्चन है हम तब तक भी होल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी सर। ठीक है अच्छा, आज हमारी दो छोटी सी प्रेजेंटेशन होंगी, उम्मीद है वही तो मैं आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो 20 मिनट में वाइंड अप हो जाएंगी, ऐसे ही 20-20 मिनट में? यस सर इंशाल्लाह 20-20 मिनट में कर लेंगे। हाँ अगर नहीं भी होती तो 20 मिनट में आपने चीज़ें वाइंड अप करनी। अच्छा दो प्रेजेंटेशन है इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो आप देखिएगा प्रेजेंटेशन में आपको बेसिकली इसी दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने प्रेजेंट करना है अपने एमपी थीसिस को, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो मैं चाह रहा था कि इसी में थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाए, और वो ग्राफ ऑपरेशन से रिलेटेड भी हैं उम्मीद का जो है टॉपिक जो है। एनीवे फिर हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, उम्मीद है कि तमाम ने वो छोटा सा क्लिप जो वो देख लिया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन किसी का है यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? सर मैं मेरे एक चीज़ में जेहन आई, मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर आपने यहाँ पे सप्लाइज की डेफिनेशन बताई है, बेसिकली हम दो ग्राफ ले रहे हैं, चाहे वो एक जैसे ले लें या कॉपी करके ले लें, तो आइडेंटिफाई करते हैं हम दोनों ग्राफ के वर्सेस को, बाद में इसको हम बेसिकली मर्ज कर रहे हैं। हाँ देखिए ठीक है बिल्कुल। हाँ तो सर ये मर्जिंग ऑफ वर्सेस ऑलरेडी भी ग्राफ ऑपरेशन है, लेकिन वो इसमें और उसमें ये फ़र्क है, वो यूनरी ऑपरेशन के लिए है और ये बाइनरी के लिए। वो यूनरी का मतलब हाँ ठीक है चलिए आपको बात समझ आ गई कि अब हम दो ग्राफ जो एक ही ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, जी वन ले लिए हैं, उनके अंदर से हमने कोई भी दो ले लिए हैं, ठीक है बिल्कुल ऐसे ही है। कि सम टाइम नोटेशन जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, बात एक ही होती है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि सम पास बुक वाले बाद ऑर्डर सम यूज करते हैं, बाद ऑर्डर जॉइन यूज करते हैं। ठीक हो गया, मैं बस ये सर यही बात कंफर्म कर, ये सर मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं। चल
चलें थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है ग्राफ ऑपरेशन की। ग्राफ ऑपरेशन हमने पढ़ ली है, हमें उसकी डेफिनेशन भी समझ आ गई। और याद रखना है कि सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बेशुमार ग्राफ ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं, और हम लोग आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ ग्राफ ऑपरेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ ऑपरेशन डिफाइन करते वक्त आपने ये देखना है कि जो ग्राफ ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं उसका क्या मकसद है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है ग्राफ ऑपरेशन, ये कहता है कि ग्राफ ऑपरेशन की मदद से आपने एक नया ग्राफ बनाया है। जब आपने नया ग्राफ बनाया है, सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी उसकी ये है कि उसका ऑर्डर और साइज कितना है। जब भी आप ग्राफ ऑपरेशन बनाएंगे, ग्राफ ऑपरेशन का मतलब है कि एक नया ग्राफ बन रहा है, तो नया ग्राफ जब बनेगा उसका ऑर्डर और उसका साइज भी हमें पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ए पॉइंट अगर आपको नज़र आ रहा है तो ए पॉइंट में आप देखें कि यहाँ पे उसने जी एच दो ग्राफ हैं, इनका उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ है, कंपोजिशन लिया हुआ है, और इनका जो इसका जो आंसर आ रहा है वो नंबर ऑफ वर्सेस ऑफ जी एंड नंबर ऑफ वर्सेस ऑफ एच ऑर्डर, मतलब कि कंपोजिशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, जो ग्राफ मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ वर्सेस ऑफ जी नंबर ऑफ वर्सेस ऑफ एच। ये बात तो क्लियर है ना, ये तो ऐसे ही हुआ था जो हमने एग्जाम्पल भी देखी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और जो आपने क्लिप में भी एग्जाम्पल देखी होगी। ये पॉइंट क्लियर, ऑर्डर क्लियर है जी सर? जी सर क्लियर। चलें थैंक यू, अगर आपने बता दिया ऑर्डर। अब हम बात करते हैं क्रोना बॉर्डर की, जी क्रोना एच, ठीक है। जी क्रोना एच में बेसिकली क्या हुआ था, हमारे पास ये चीज़ हुई थी कि हमारे पास ग्राफ एक जी है, उसकी उसका जितना भी ऑर्डर है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं उसका ऑर्डर एन है, तो हमने जी टू ग्राफ के एन कॉपीज ली थी, फिर उसकी हमने एन कॉपीज ले ली, ठीक हो गया। तो अगर हम देखना चाहें कि क्रोना प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो कितना है, ठीक है, तो क्रोना प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा आएगा वो आएगा वी एच नंबर ऑफ वर्सेस इन एच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्सेस इन जी प्लस वन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्वाइन की हमने बात की थी, ठीक है। ज्वाइन में मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपल दोनों जो ग्राफ हैं उनके जो वर्टेक्स सेट है उनको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। लिख लेने का मतलब यह कि उनके जो ऑर्डर है, जी का जो ऑर्डर है, एच का जो ऑर्डर है, उन दोनों को सिंपल ऐड कर लेना, तो आपका ज्वाइन का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा आपके पास। तो ये जो हमने जो पहला पार्ट था ये अबाउट ऑर्डर था, नंबर ऑफ वर्ड्स था। अब हम बात करेंगे साइज की, बात करेंगे इस साइज क्या चीज़ होगी। E कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच इक्वल ई जी वी एच, ठीक है। जब हम साइज की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ साइज ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ एच प्लस साइज ऑफ एच मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ जी कार्टेशियन। और जब हम बात करेंगे ज्वाइन की तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है नंबर साइज ऑफ जी प्लस साइज ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ एच। आगे कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोजिशन का जो हमारे पास साइज आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है साइज ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर प्लस साइज ऑफ एच मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ जी। ये तमाम चीज़ें कहाँ से अफज हो रही हैं, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये चीज़ें सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास सिंपल डेफिनेशन, आपने अंडरस्टैंड करनी है, उसको समझना है। जब आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो आप डेफिनेटली उसका साइज और उसका ऑर्डर जो ऑपरेशन में बनाया है बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले ऑपरेशन ऑपरेशन की डेफिनेशन समझनी है, डेफिनेशन समझने के बाद उसका ऑर्डर और उसका साइज बताना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह की हमारे पास प्रॉपर्टीज ग्रुप्स में होती थी, सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्वाइन एंड कंपोजिशन ऑफ ग्राफ्स आर एसोसिएटिव, ठीक है। जिस तरह हम नंबर्स में काम करते हैं ना कि तीन नंबर हैं वो एसोसिएटिव हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर कॉमोटेटिव एक्सेप्ट फॉर कंपोजिशन। वो ये कह रहा है कि तमाम जो हमने डिस्कस किए हैं कार्टेशियन ज्वाइन कंपोजिशन ये एसोसिएटिव भी हैं और कॉमोटेटिव भी हैं, लेकिन कंपोजिशन जो है वो
कॉम्यूटेटिव नहीं है, कॉम्पोजिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जी वन कॉम्पोजिशन जी टू इज नॉट इक्वल टू जी टू कॉम्पोजिशन जी वन, ठीक हो गया? जनरली ये चीज होल्ड करेगी। ओके, इंपॉर्टेंट चीज जिसे हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या ऑपरेशन के बाद जो हमारे पास नया ग्राफ बन रहा है उसके अंदर डिग्रीज का बिहेवियर क्या है, उसके अंदर डिग्रीज क्या है, ठीक हो गया? उसके अंदर डिस्टेंसेस क्या है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पॉइंट सी नजर आ रहा है। सी में ये कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, दो वर्टिसेस हैं ए सी और बी डी। ए सी और बी टी के दरमियान डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जी के अंदर जो ए बी का डिस्टेंस है उसको हमने ऐड कर लेना है, एच के अंदर जो सी डी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने ऐड कर लेना है, ठीक है? तो वही डिस्टेंस जो आएगा वो डिस्टेंस ए सी और बी डी वर्टेक्स के दरमियान होगा। बात कर रहे हैं डिग्री की, बात कर रहे हैं डिग्री इन सम, डिग्री इन कंपोजिशन, डिग्री इन कार्टेशियन। सबसे पहले सम की बात कर लेते हैं। सम क्या चीज़ थी? अगर आपको याद हो हमारे पास एक ग्राफ था, हमारे पास दूसरा ग्राफ था, इसके हर वर्टेक्स को हमने इसके हर वर्टेक्स से ज्वाइन करवा दिया, ठीक हो गया? तो देखते हैं कि डिग्री क्या चीज़ है। डिग्री बिहेवियर फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने इन्हीं की मदद से, डिग्री बिहेवियर की मदद से हमने टेक्नोलॉजिकल इंडिसेस को डिस्कस करना है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वर्टेक्स है यू वी, इस वक्त हम बात कर रहे हैं ज्वाइन की। ज्वाइन ग्राफ में दो हमारे पास एक वर्टेक्स है यू वी, इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक हो गया? ये हमने चेक करना, आई थिंक वी आर यहाँ पे अभी वो डिग्री की बात नहीं करते, नोटेशन यहाँ पे गलत है थोड़ी सी, ये इनफैक्ट डिग्री नहीं आएगा, ये डिस्टेंस ही आएगा, ठीक है? अच्छा उसकी रीज़न ये है कि डिग्री कभी भी 0-1-2 फिक्स नहीं होगी, ठीक है? डिग्री जो है वो वेरी करेगी, डिग्री जो है वो कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस अलबत्ता जो है वो 0-1-2 होगा। डिस्टेंस कब 0-1-2 होगा अगर मैं बताना चाहूँ आपको, सपोज हमारे पास दो वर्टिसेस आ गए हैं ए बी और हमारे पास सी डी, हमारे पास दो वर्टिसेस हैं ज्वाइन के अंदर, इनके द्वारा डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस कब जीरो होगा? जब हमारे पास ये दोनों वर्टिसेस जो हैं वो सेम हो जाएंगे, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, मतलब ए बी इक्वल सी डी। जब ये चीज़ हो जाएगी तो डिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक ही वर्टेक्स का, उसी वर्टेक्स का अपने आप से डिस्टेंस हमने लिया है जीरो। आगे डिस्टेंस वन कब होगा? डिस्टेंस वन तब होगा जब इनके दरमियान डायरेक्ट एज मौजूद हो। ए बी और सी डी के दरमियान अगर डायरेक्ट एज मौजूद है तो डिस्टेंस वन, अगर डायरेक्ट एज मौजूद नहीं है तो डिस्टेंस टू हो, ठीक है? डायरेक्ट एज मौजूद कब नहीं हो सकता? सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, इनका हमने ज्वाइन फाइंड करना है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि ये वर्टेक्स जो है इससे अटैच हुआ, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इस वक्त जो है वो टू है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अभी वन है, और कोई भी वर्टेक्स लेंगे उसका अपने से डिस्टेंस जीरो है, ठीक है? तो ये इस डिस्टेंस की बात की है बेसिकली, ये डिग्री की बात नहीं। ज्वाइन के अंदर डिस्टेंस या जीरो होगा या वन होगा या टू होगा, इसके अलावा और नहीं होगा। आगे बात वो कर रहा है हमारे पास एक कॉम्पोजिशन में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन में डिस्टेंस क्या होता है? कॉम्पोजिशन में डिस्टेंस जो है हमारे पास, अच्छा कॉम्पोजिशन का अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो कॉम्पोजिशन की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने जस्ट इक्वालिटी वाली कंडीशन जो थी फर्स्ट कंडीशन से इक्वालिटी वाली निकाल दी, ठीक है? तो ए बी और सी डी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ए सी होगा, ठीक है? ए सी चूंकि दोनों जी के वर्टिसेस हैं, तो अगर ए और सी बराबर नहीं है तो ए बी और सी डी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ए सी है, क्योंकि बी और डी जो है वो बराबर होंगे,
सेकंड कंडीशन में इक्वलिटी वाली कंडीशन होल्ड कर रही थी। इसी तरह अगर एसी बराबर है ठीक है और डिग्री ऑफ ए जो है वो जीरो है तो बी भी हो जाएगा। वो तो सिंपल वही बात है, सेकंड कंडीशन में जब हम आएंगे कंपोजिशन में, चूंकि अब हम पहले के दरमियान इक्वलिटी वाली कंडीशन नहीं थी, तो वो ये कह रहा है कि ए बी और सी डी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा एच में बी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा। थर्ड कंडीशन में ये क्या कह रहा है, जब ए सी बराबर है और डिग्री ऑफ ए इक्वल जीरो है, ठीक है जीरो नहीं है, जीरो है तो ये कंडीशन है, जीरो नहीं है तो हमारे पास डिग्री ऑफ एच इज बी डी टू, ठीक है बी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है और टू इनका, तो इनका सेट बना लेना है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा अगर ए सी बराबर है और डिग्री ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपने क्या कहना है, खुद से कुछ एग्जांपल्स लेके इस चीज़ को वेरीफाई करने की ट्राई करनी है, क्योंकि ये लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेमा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट डिस्टेंस अबाउट डिग्रीज, इन्हीं की इसी लेमा की मदद से हम अपने इंडिसेस जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं डिग्री बेस्ड डिस्टेंस बेस्ड। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ वर्टिसेस इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारे पास एक वर्टेक्स है ए बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसकी डिग्री क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसकी डिग्री होगी जी में जो ए की डिग्री है वो, प्लस एच में जो बी की डिग्री है वो, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ए बी की डिग्री आ जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो ए बी हमारे पास एक वर्टेक्स है, इसमें हमारे पास जो डिग्री बनेगी वो हमारे पास बनेगी डिग्री ऑफ ए इन जी मल्टीप्लाई बाय डिग्री मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ एच प्लस डिग्री ऑफ बी इन एच। इसी तरह हम बात करेंगे समेशन में डिग्री ऑफ ए, हमारे पास समेशन है सॉरी सम है ज्वाइन है, उसके अंदर एक वर्टेक्स है ए, उसकी डिग्री क्या होगी, अगर तो वो जी का वर्टेक्स है तो डिग्री ऑफ ए इन जी प्लस ऑर्डर ऑफ एच, अगर वो एच का वर्टेक्स है ठीक है तो डिग्री ऑफ एच इन ए प्लस ऑर्डर ऑफ जी, ये डिग्रीज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रोना प्रोडक्ट में, क्रोना प्रोडक्ट में हमारे पास एक वर्टेक्स है बी, उसकी क्या डिग्री होगी, डिग्री ऑफ जी वन डिग्री ऑफ वी इन जी वन प्लस ऑर्डर ऑफ जी टू, अगर जो वी है जिसकी हम डिग्री फाइंड करना चाह रहे हैं अगर वो जी वन का वर्टेक्स है, अगर वी जो है वो बिलोंग टू अ कॉपी ऑफ जी टू यानी वो जी टू से बिलोंग कर रहा है तो डिग्री ऑफ जी टू वी प्लस वन। तो ये हमारे पास थी, हमारे पास कुछ डिग्रीज बिहेवियर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। ओके, मैं चाहूँगा ज़रा आप एक बार एक नज़र जो है ज़रा डिग्रीज को ज़रा थोड़ा सा दोबारा देख लें कि डिग्रीज कैसी हैं, डिस्टेंस भी हम देखेंगे लेकिन ज़रा डिग्रीज देख लें कि कार्टेशियन में क्या है, कॉम्पोजिशन में क्या है, समेशन में क्या है, और क्लियर है कि कैसे हैं तो हम आगे मूव करेंगे, नहीं क्लियर तो फिर हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं।
चलें, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, कोई कमेंट है? चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कमेंट नहीं है तो थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। आज उसने बात की हुई है, सपोज दैट G1 G2 हमारे पास दो ग्राफ्स हैं, उसके उसने सप्लाइज की बात की हुई है और उसके बाद उसने उसके चेन की बात की हुई है कि सप्लाइज में हम डिग्री की बात करेंगे तो इफ़ यू बिलोंग टू VGI, मतलब कि अगर वो ज्वाइन करने वाले वर्टेक्स में से कि कोई नहीं है, क्योंकि इनके अलावा कोई वर्टेक्स है तो उसकी डिग्री जो है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। और अगर वो U1 या वो V1 V2 में से कोई वर्टेक्स है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ V1 इन G1 प्लस डिग्री ऑफ V2 इन G2। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि दोनों जो होते हैं वो मर्ज होते हैं, ठीक है, तो दोनों की जो डिग्रीज हैं वो ऐड हो जाती हैं। सप्लाइज की बात करेगा तो अगर तो वो ये कह रहा है कि हमारे वर्टेक्स V1 V2 में से नहीं है तो डिग्री सेम रहेगी, अगर V2 में से V1 या V2 में से कोई एक वर्टेक्स है तो डिग्री एक बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने एक वर्टेक्स एक एजेंट का। ओके, बाय बात करें कंसीडर आर चेन ग्राफ में बताया था आपको, हमारे पास एन ग्राफ्स हैं, ठीक है, और एन ग्राफ में हमने ये वर्टेक्स चूज कर लिए हैं, इनके दरमियान एच आ जाएगा, इनके दरमियान एच आएगा तो V1 और VN की डिग्री एक एक बढ़ेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं V1 और एक एक बढ़ेगी, बाकियों की डिग्री 2-2 बढ़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि जो बीच वाला वर्टेक्स होगा उसके पास दो एजेस आ रहे हैं तो उनकी डिग्री जो है वो 2 बढ़ जाएगी। और जो वर्टेक्स V1, V2, VN में से नहीं है उनकी डिग्री जो है वो सेम रहेगी। चलें, बात हमने की थी ऑपरेशंस की, ऑपरेशन की के बाद हम आए थे कि जो नया ग्राफ बन रहा है उसका ऑर्डर कितना है, उसका साइज कितना है, और उसके बाद हमने बात की थी ऑर्डर और साइज के बाद कि उनके अंदर जो नया ग्राफ है उनके अंदर जो डिग्रीज हैं वो कितनी है, हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी। ओके, एक मिनट का पॉज लेते हैं, आपकी तरफ मैं आता हूँ। ऑपरेशन, ऑर्डर, साइज और डिग्रीज के मुताबिक कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई आइडिया आपके जहन में है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। काइंडली कुछ डिस्कस करने की कोशिश किया गए, चुप ना बैठा गया कि बस सर ने जो पढ़ा दिया चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, बस वही करना है, खुद हमने कुछ चीज़ सोचना है, ठीक है। तो बाद में जो छोटे छोटे पोज इसलिए देता हूँ कि आप खुद भी थोड़ा सा कोशिश किया करें चीज़ों को समझने की। सर, इसी पेपर में जो कंपोजिशन का ग्राफ ऑपरेशन है, उसमें जो बेसिकली कंपोजिशन से जो, यानी कि कंपोजिशन जो ग्राफ होगा, जो फाइनल ग्राफ होगा, उसमें हम वर्टेक्स की डिग्री का बिहेवियर देख रहे हैं, तो वो एक ऑर्डर पेयर होगा, तो इसके ऑर्डर पेयर की डिग्री का बिहेवियर उत्तर ऊपर बताया हुआ है। इधर सर इस स्लाइड ऊपर कीजिएगा। ओके, हम कंपोजिशन में डिग्री बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम है? नहीं नहीं सर, चेक कर लिया आपने। एक ना इस पेपर में ऊपर मेंशन है जिसमें दो ऑर्डर पेयर एट अ टाइम आ रहे हैं और ये डिग्री किसकी है सर? ये तो जब आप बात कर रहे हैं दो ऑर्डर पेयर की, तो दो ऑर्डर पेयर का मतलब है दो वर्सेस, ठीक है, और दो वर्सेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया जाता है, डिग्रीज नहीं होती, जैसे ये मेंशन है। ठीक, वो डी डिस्टेंस है, बेसिकली डिस्टेंस है। जी, इनफैक्ट वही, ठीक हो गया, वो स्टार्टिंग में ही मुझे भी ये कंफ्यूजन हुई थी, लेकिन वो डिस्टेंस सही है। मैं वो देख रहा था कि एक वर्टेक्स नीचे रहा, ऊपर दो हुआ, तो डिग्री दो बार कैसे आ गई, और एक वर्टेक्स की होती है वो तो ऑर्डर पेयर दो एट अ टाइम कैसे आ गए, वो डिस्टेंस होगा फिर कैसे होगा? जी बिल्कुल, वो डिस्टेंस। ठीक है सर,
क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का? ओके क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वहीद, आप लोगों ने कभी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं क्या? आप लोगों की फिजिकली हुई हैं? सर हमारी क्लासेस ऑनलाइन थर्ड सेमेस्टर में हुई हैं, जो फर्स्ट टू सेमेस्टर्स हैं वो फिजिकली हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों की क्लास में बस ऐसे चुप करके बैठी होती थी कि ठीक है जो भी पढ़ा दिया बस ठीक है? सर मैं वैसे फिजिकल क्लास में तो कभी चुप करके बैठा नहीं, और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें दो सब्जेक्ट थे, एक टीचर की क्लास में बोल लेते थे और दूसरे में कभी कभी बोल देते थे। ये बड़ी सात से पता नहीं है, चलेंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं मुझे अच्छी क्लास मिली हुई है, कोई नहीं बोलता, चुप करके बैठे रहते। अच्छा चले, यहाँ तक हमारा कन्वर्सेशन थी अबाउट ऑपरेशंस, अबाउट ऑर्डरेंट साइज, अबाउट देयर डिग्री बिहेवियर। इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करते हैं कि फ़ायदा क्या है, ऑपरेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने ऑर्डर साइज क्यों पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने डिग्री बिहेवियर क्यों पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ ऑपरेशन का फ़ायदा क्या है। मैं इसी पेपर में देखना चाहूँगा अगर मैंने मैंशन किया हुआ है तो, फायदा है इस चीज का। सिंपली मैं बताना चाहूंगा ग्राफ ऑपरेशन का फायदा क्या है। सिंपली ग्राफ ऑपरेशन का फायदा ये है कि आप बेसिक्स ग्राफ्स को यूज करते हुए, सिंपल ग्राफ्स को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स, बड़े या मुश्किल किस्म के जो नेटवर्क्स हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, जो मुश्किल किस्म के जो नेटवर्क्स हैं वो बना सकते हैं। सपोज छोटी सी एग्जांपल, अगर मेरे को ब्लैंक पेज मिलता है तो मैं वहाँ से दिखा देता हूँ। सपोज अभी हमने कार्टिजियन प्रोडक्ट जो है वो उसको डिटेल में पढ़ा था, उसके अंदर हमारे पास दो पाथ होंगे। ठीक है, सपोज इनकी पाथ की लेंथ काफ़ी बड़ी है, दूसरा जो हमारा पाथ है वो ये है। ठीक है, अब ये दो सिंपल बहुत बेसिक ग्राफ है, इनके वजह से हम क्या कार्टिजियन प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का, तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, हमें एक बड़ा सा एक नेटवर्क मिल जाएगा। कुछ ही शेप का होगा, अगर मैं बनाने में कामयाब हो गया, अगर मेरे को लाइन स्ट्रेट लग गई तो। कुछ इस तरह का, ठीक है, ये उसके अंदर में डेफिनेटली हमारे पास वर्टिसेस होंगे। कुछ और पिक्चर्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पेपर में दिखाता हूँ कि ग्राफ ऑपरेशन का क्या मकसद है बेसिकली। ओके, मैं शायद सारा नहीं बना रहा, तो आपने क्या किया, दो पाथ थे आपके पास, सिंपल ग्राफ थे, उनके ऊपर आपने कार्टिजियन प्रोडक्ट अप्लाई किया, तो आपके पास देखें एक कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है वो नेटवर्क बन गया, और ये नेटवर्क जो है वो बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल होता है। चलिए जी, अगर आप कहेंगे ठीक है ग्राफ ऑपरेशन की तो हमें समझ आ गई, डिग्री बिहेवियर हमने क्यों चूज़ किया, डिग्री बिहेवियर हमने इसलिए चूज़ किया कि फ़र्ज करें हम इस कॉम्प्लेक्स, इस मुश्किल जो हमें नज़र आ रहा है इस ग्राफ का, हम कोई टोपोलॉजिकल इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई टोपोलॉजिकल इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अगर हम इसके अंदर आएंगे तो शायद हमें थोड़ी डिफिकल्टी हो वो टोपोलॉजिकल इंडेक्स फाइंड करने में, इस बड़े ग्राफ को अंडरस्टैंड करने में, बड़े ग्राफ को समझने में। तो हम क्या करते हैं, इन
सिंपल ग्राफ का मतलब लॉजिकल इंडेक्स जो पास है फाइंड करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। तो हम इनकी मदद से जो है वो टोपोलॉजिकल इंडेक्स फाइंड कर लेते हैं इन इस बड़े ग्राफ का। फर्स्ट करें, हमने फर्स्ट जैगरिप इंडेक्स फाइंड करना है, तो हम अगर फर्स्ट जैगरिप इंडेक्स की अगर मैं डेफिनेशन देखूँ तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इस बड़े ग्राफ का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है इसका फाइंड करना कंपेरेटिवली मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन हमें पता है पाथ है, पाथ का तो आप में से कोई भी जो है वो फाइंड कर सकता है फर्स्ट जैगरिप इंडेक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसके मेन थ्योरम पे जाऊँ फर्स्ट जैगरिप इंडेक्स के, तो अगर मैं काम में आऊँ तो ये फर्स्ट जैगरिप इंडेक्स से रिलेटेड ही नहीं है। चले मैं दूसरे पेपर ओपन कर वहाँ से आप डिस्कशन। ये हमारे पास एक और पेपर है, इसमें भी क्या डिस्कशन हुई हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड जैगरिप इंडेक्स ऑफ सम ग्राफ ऑपरेशंस, ठीक है। कौन से ग्राफ ऑपरेशन अगर इसे मेंशन किया हुआ तो देख लेते हैं, कार्टिलियन प्रोडक्ट या कंपोजिशन जॉइंट डिसजंक्शन जो हमने जिसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस नहीं की, डिसजंक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ग्राफ विल बी प्रेजेंटेड, ठीक है। इसने दो मुख्य और भी यूज किया, इसने फर्स्ट और सेकंड जैगरिप इंडेक्स के ऊपर काम किया है। मैं फिलहाल आपको कैसे फाइंड करेंगे फर्स्ट जैगरिप को बाकी बात है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी जो डिस्कशन है वो मैं दिखाना चाह रहा था कि ये वही जो हमने लेमा वगैरह डिस्कस किए हैं उसमें भी डिस्कस किए हैं। ये इसका फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम ये कह रहा है कि हमारे पास एन ग्राफ है, उन हम एन ग्राफ के कार्टिलियन प्रोडक्ट लिए हैं और उसका जो आंसर आ रहा है वो हम इसकी मदद से इस एक्सप्रेशन की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा डेफिनेटली, ठीक है, बाद में। अभी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अबाउट की ग्राफ ऑपरेशन का फायदा क्या है। यस, जी जरा इसको देखते हैं एग्जाम्पल 3 को। वही कह रहा है कि हमारे पास टी पी क्यू बी द मॉलिक्यूलर ग्राफ ऑफ नैनोटोरस एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये हमारे पास एक नैनोटोरस है, इसका हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जो कि देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ लग रहा है, ठीक है। वही कह रहा है कि इसके अंदर पी क्यू वर्टिसेस हैं और इसके अंदर 3/2 पी क्यू जो है वो एजेस हैं। ऑर्डर बता दिया, साइज बता दिया, वही कह रहा है कि इसका हमने फाइंड करना है फर्स्ट जैगरिप इंडेक्स, ठीक हो गया। फर्स्ट जैगरिप फॉर क्यू मल्टी वॉल नैनोटोरस, ठीक है। ये नैनोटोरस बनी कैसे हैं, नैनोटोरस हमारे पास बनी है पी एन, हमारे पास एक पाथ था उसको हमने मल्टीप्लाई किया टी से, मल्टीप्लाई का मतलब है उसका हमने कार्टिजियन प्रोडक्ट लिया। यहाँ पर उसको टी मेंशन करना चाहिए था कि टी हमारे पास क्या चीज़ है। ओके, टी हमारे पास एक नैनोटोरस है, ठीक है। इस टी ग्राफ को हमने पाथ ग्राफ से कार्टिजियन प्रोडक्ट लिया है तो हमारे पास बना क्यू मल्टी वॉल नैनोटोरस, ठीक हो गया। इस ग्राफ को हमने फाइंड किया है एम वन ऑफ जी, इसकी मदद से फाइंड किया है हमने जो अभी ऊपर मतलब इन्होंने जो अभी थ्योरम किया है उसकी मदद से, ठीक है। कहने का मतलब है कि सिंपल ग्राफ्स की मदद से हम कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना सकते हैं
और ग्राफ ऑपरेशन जो है वो उन कम्प्लेक्स ग्राफ का जो इंडिसेस हैं वो फाइंड करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक है द कम्प्लीट एन एन पर टाइट ग्राफ, ये आई थिंक एन ज्वाइन ग्राफ से उसने बनाया होगा, ठीक है। टाइट का मतलब ये है कि यस, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लीट एन पर टाइट ग्राफ है। यस, कम्प्लीट एन पर टाइट ग्राफ का मतलब यह है कि सपोज हमारे पास ये हैं, हमने इनका ज्वाइन लेना है। ज्वाइन का मतलब था कि इसके हर वर्टेक्स को हमने इससे मिला दिया, इससे भी मिला दिया, इसके हर वर्टेक्स को हमने इससे मिला दिया, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं ज्वाइन ऑफ ग्राफ से। यानी ज्वाइन ऑफ ग्राफ से हम कंप्लीट एन पर टाइट ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। बात अगर हमारे पास कुछ और फिगर स्ट्रक्चर है तो भी डिस्कस किया जा सकता है, इसका नहीं और नहीं है। एनीवे तो बेसिकली ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम बेसिकली ऑपरेशन का मतलब ये है कि सिंपल ग्राफ को यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है वो हम बना सकते हैं। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाएगा तो फिर हम ऑपरेशन की डिग्री बिहेवियर चेक करते हुए उनके इंडिसेस फाइंड करने की ट्राई कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। सर ये जो हमने डिग्री पे भी वे या डिस्टेंस बिहेवियर पढ़े, फिर इसका तो यही हुआ ना कि मेन पे ये इंडिसेस में सिर्फ काम आ रहे हैं कि हम यहाँ से सिर्फ रिलेशन उठाएंगे और अपने उसका इंडिसेस का फार्मूला किसी भी डेक्स का उसमें हम उसको इजीली पुट कर सकते हैं। जी, इन इस लेमा में या जो हमें डिग्री बिहेवियर पढ़ा था बेसिकली इसको सेपरेट करने का मतलब बताने का मकसद यही है कि हमारे पास इस डिग्री के वर्टिसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं और जिस भी इंडेक्स यहाँ पे हमने जो भी इंडेक्स हमने फाइंड करना होगा टोपोलॉजिकल इंडेक्स, जस्ट हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जी सर, ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो वो काफ़ी यहाँ पे मैं ज्वाइन की बात कर लूंगा। ज्वाइन अगर हमने किस तरह डिनोट किया हुआ, अगर मैं देखूँ तो ये ठीक है, फर्स्ट एग्री पे इंडेक्स की मैं डेफिनेशन करता हूँ, मैं स्टूडेंट ज्वाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो ग्राफ है वो ज्वाइन है, जी प्लस एच हम ये फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स बिलोंग टू, वी बिलोंग टू वर्टिसेस ऑफ जी प्लस H. क्या होगा डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि डिग्री ऑफ वी स्केल, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी लेमे को यूज करना है। इस लेमे के मुताबिक हमारे पास दो तरह के वर्टिसेस हैं, आइदर वर्टिसेस फ्रॉम जी आइदर वर्टिसेस फ्रॉम एच, तो हम इसकी बेस के ऊपर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सपोज कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वर्टेक्स बिलोंग टू वर्टेक्स सेट ऑफ जी, आगे हम वही रखते हैं कि अगर जी से बिलोंग कर रहा है तो उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ वी प्लस ऑर्डर ऑफ एच। इसके प्लस समेशन वी बिलोंग टू वर्टेक्स सेट ऑफ एच, अगर वो एच से बिलोंग कर रहा है तो हम ये चीज वैल्यू पुट कर देंगे, डिग्री ऑफ वी, यहाँ पे हम एच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जी की बात कर रहे हैं, प्लस ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, दोनों एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं, इनको सिंपलीफाई करेंगे। अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो जहाँ तक मुझे आंसर नजर आता हुआ नजर आ रहा है, एनीवे इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो मैं आपको अगर दिखाने में कामयाब होता हूँ तो इस तरह का होगा। यस, वो हमारे पास इस तरह का कुछ आंसर बन,
यहाँ पे इसने दो ग्राफ की बजाय कितने ग्राफ लिए हुए एन, ठीक है। सपोज अगर हम दो ग्राफ की बात करें तो समेशन जो है वो दो तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि एम वन ऑफ जी वन प्लस वी वन वर्टेक्स एट माइनस वी वन स्क्वायर प्लस फोर टाइम ऑफ ई वन एन वी माइनस वी वन। इसी तरह एम वन जी टू प्लस सॉन्ग जहाँ पे वन वन है वहाँ पे टू टू आ, ठीक है। इसी चीज को जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोई एक दो इंडिसेस को फाइंड करके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक है बेसिकली ग्राफ ऑपरेशन है, और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे हम दो तीन ग्राफ ऑपरेशन या ज्यादा ग्राफ ऑपरेशन जो है वो हम उनको भी, और जो नए ग्राफ ऑपरेशन है उनको भी हम डिस्कस करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। वही आप अपनी जरा प्रेजेंटेशन है उसको तैयार करो, मतलब जरा उसको डेस्कटॉप पे ले आओ, इतना मैं जरा दो तीन मिनट जरा अटेंडेंस ले लूँ, क्लास में चक्कर लगा लूँ। क्वेश्चन किसी का है, किसी का कोई कमेंट है जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं? सर ये आप इधर से वो अलाउ करेंगे तो मैं फिर ही मेरे ख्याल में शेयर करूंगा यहाँ से, ये जो एरो होता है ऊपर की तरफ। जी जी जी, मैं करता हूँ, बस एक आदमी जी क्लास। क्वेश्चन है किसी का? आज जो मैक्सिमम 39 स्टूडेंट जो है वो अवेलेबल हैं। एनीवे डाउनलोड अटेंडेंस अटेंडेंस आपकी डाउनलोड हो गई है, ओके। आंसर बकवास, कुछ चीज़ें समझ आई हैं? आंसर पता नहीं बंदा भी साथ है कि नहीं है, ओके। मुदस्सिर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? परेशान हो जाता हूँ, बोलते ना करो यस सर नो सर, क्वेश्चन करते रहो कुछ ना कुछ। किसी का पूरे लेक्चर में आपको पता है कोई एक दो स्टूडेंट बोले हैं, मुझे ही क्लास में जाके नाम ले लेके पूछना पड़ता है। चले ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, लेकिन एक दो इंडिसेस जो है वो हम उनको कंप्यूट करने की ट्राई करेंगे कि किस तरह बेसिकली हम इंडिसेस को कंप्यूट करते हैं ग्राफ ऑपरेशन। अभी हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, कोई 20 मिनट की प्रेजेंटेशन है, वहाँ से आपने क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है, और भी चीज़ें भी सीखने की ट्राई करनी है कि कैसे आपने चीज़ें बनानी है, उनको कैसे प्रेजेंट कर। सर वो हमारी क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे वो, सर आपने जो प्रेजेंटेशन का कहा था वो कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब ये कब से स्टार्ट होगी और क्या इसका थोड़ा सा मैं। हाँ एग्जैक्टली वो मुझे यस, सबसे पहले अच्छा कि आपने याद करा दिया, हमारे कुछ स्टूडेंट की लिस्ट है जिन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इट्स ओके जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया। एनीवे जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया तो बस ठीक है, उनकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, प्रेजेंटेशन उनकी नहीं होगी डेफिनेटली उनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लगेंगे नहीं मार्क्स, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जैसे मतलब उन्होंने अपने आप को पता नहीं क्या समझा होता है। मैंने तो उनको कहा था जिनका नहीं बन रहा है एक लोग है वो बाकी उनसे कॉन्टैक्ट कर ले, मैंने उनको नेम भी सेंड कर दिए थे कि ये लोग रहते हैं तो आपस में आप कॉन्टैक्ट करके ग्रुप बना लो, पर सर इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलिए ठीक हो गया, मैं नाम दोबारा अनाउंस कर देता हूँ कि किन लोगों की तरफ से हमें रिस्पॉन्स नहीं आया, बाकी उनकी मर्जी से, ठीक है, रिस्पॉन्स करें ना करें। अच्छा बल्कि आपने अच्छा याद दिला दिया प्रेजेंटेशन का। ताहिर इकबाल, नजम मसूद, अब्दुल कयूम, अनसब अब्बास, मोहम्मद उमैर, अब्दुल रहीम, ये पांच लोग हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इनका अब तक कोई ग्रुप नहीं बना, किसी ग्रुप में जगह नहीं पाई, ना इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। देखिए भाई सीधी सी बात है, इन्फॉर्मेशन देना आपकी जिम्मेदारी, आप दे देंगे तो आप इंक्लूड कर लेंगे, नहीं देंगे तो आपकी मर्जी है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपके नहीं लगेंगे आप नहीं देंगे, ठीक हो गया। बाकी मेरे पास तकरीबन 7 ग्रुप जो हैं वो अवेलेबल हैं,
आज की प्रेजेंटेशन का मतलब भी तकरीबन कुछ ये ही होगा कि आपने भी तकरीबन 10-15 मिनट की प्रेजेंटेशन बनानी होगी, ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो भी ग्रुप है मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने खुद ही बनाए हैं। 7 ग्रुप हैं, अगर वो आंसर दे देंगे तो 8वां ग्रुप हो जाएगा। आपने 10 से 15 मिनट की, मैक्सिमम 15 मिनट की अपने प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, हर ग्रुप। और वो कब स्टार्ट करनी है प्रेजेंटेशन वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या चीज़ है। जी, सबसे पहले तो शीज़ा, आवाज़ आ रही है आपकी? आप शीज़ा या नीज़ा, आप दोनों साथ हैं, कोई भी आंसर कर दे सर। जी सर। अच्छा, मुझे बताए आप में से, चले आपसे मेरा नाम ले लिया, चलो आपसे पूछ लेता हूँ, पेपर की प्रेजेंटेशन आपने अगर पेपर देखे है तो सबसे पहले तो पेपर देखे आपने थोड़ा बहुत भी? जी सर, थोड़ा बहुत देखा है, उसमें लैप्लाशियन मैट्रिक्स का, साइनलेस लैप्लाशियन का जो है वो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्रोना जो ग्राफ है वो किस तरह से बनते हैं वो मैंने देखा है, और एडजेसेंसी का थोड़ा सा है। ठीक है, आपने स्पेक्ट्रल में इसी तरह की चीजें पढ़ी हुई हैं? जी सर, हमने इसी तरह से पढ़ी हुई है। सर, पूरे पेपर में अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो वो लास्ट वाले पेजेस में आएगी, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा कोरोना के बारे में बताया हुआ, कोरोना ग्राफ किस तरह से बनते हैं वो भी समझ आ गया है, और बस लास्ट वाले पेजेस से थोड़ी मुश्किल है। ओके, ठीक है, चलें। कोई और स्टूडेंट इस बारे में अपना कमेंट देना चाह रहा हूँ जिसने पेपर देखा हो, क्योंकि मैं ये आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि फर्ज कर, मैं तो चाह रहा हूँ प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए, लेकिन मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपको टाइम रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो अगर आपको टाइम रिक्वायर्ड है तो आज ही मुझे बता दें कि नहीं सर नेक्स्ट नहीं, उसे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लें। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिससे मैं इनसे पूछ लिया क्योंकि उन्होंने पेपर पढ़ लिया, बता दिया कि सर हमें थोड़ा सा टाइम में भी चाहिए होगा। और कोई स्टूडेंट जिसने पेपर देखा हो? सर, पेपर को पढ़ा तो है, मेरे थ्योरेटिकल पोर्शन वो सारा ही ऑलमोस्ट क्लियर भी काफी कुछ था, पर जहाँ से थ्योरम या लेमा शुरू हुए वहाँ पर सब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो अभी हम देख रहे थे कल ही सर, मैंने इसको थोड़ा सा ये स्टडी को, तो उसके 6-7 पेजेस ग्राउंड रोड सर क्लियर थे, 7 पेज बाकी सर उसको स्टडी करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपस में डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में जो इशू है चलते वक्त हो जाएगा क्लियर। ठीक है, ओके, इकरा इकरा, आपको आवाज़ आ रही है?